हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल पे द सीक्रेट टीचर्स पे। और बच्चों, आज हम लोग अपनी एक्सरसाइज 3.3 कर रहे हैं। हम लोग एनसीईआरटी की जो बुक है मैथमेटिक्स की, वो कर रहे हैं, और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो जो नए बच्चे हैं वो जान लें कि ऐसा ऐसा हमारा प्रोग्राम चल रहा है। इसके बाद अगर हम लोग थोड़ी सी और बात करते हैं तो मेरा टेलीग्राम का चैनल है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी बच्चे एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं वो भी मेरी क्लास कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको बेस सीखना है तो बेस आपको यहाँ पे सारा मिल रहा है। अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया है और आगे जितना भी पढ़ाऊंगा वो सब एसएससी का ही बेस है, ठीक है ना। तो जो भी बच्चे एसएससी की या फिर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं वो मेरी क्लास देख सकते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन नीचे स्क्रीन पे ही मिल जाएंगे, आपको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हाई स्कूल की कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है, आपको जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब के सब मिल जाएंगे, और जो मेथड है वो मैं करा रहा हूँ वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं, यहाँ टेलीग्राम चैनल है मेरा, टेलीग्राम का, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम का चैनल है और उस चैनल का नाम है मून जायसवाल मैथ्स करके है, ठीक है, मून जायसवाल मैथ्स, ठीक है, ये चैनल का नाम है। इससे आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, और कोई भी क्वेरी हो यहाँ पे, कोई भी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट हो मुझे भेजना तो भेज सकते हैं, मैं उस पर रहता हूँ, ठीक है। चलिए, और अगर पढ़ाई नहीं भी हो रही है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, अपनी कोई जो पर्सनल प्रॉब्लम है वो भी मुझसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, एक्सरसाइज 3.3 पे चलते हैं, और सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ा रहा हूँ। आपकी स्क्रीन पे होगा पहला क्वेश्चन, चलिए मैं पढ़ देता हूँ, इंग्लिश में पढ़ता हूँ फिर हिंदी में पढ़ता हूँ। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। मतलब आपके सामने रैखिक समीकरण दिए होंगे या लीनियर इक्वेशन दी होगी, उसको हम लोग किससे सॉल्व करना है, प्रतिस्थापन विधि से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत आसान होता है, कुछ नहीं है, मैं क्वेश्चन के थ्रू ही आपको इसका वो बताऊंगा कि कैसे हम लोग इसका प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, ये है एक्स प्लस वाई बराबर, कितना दिया है, एक्स प्लस वाई बराबर 14 दिया गया है, ठीक है, और एक्स माइनस वाई बराबर 4 दिया गया है, एक्स माइनस वाई बराबर 4 दिया गया है। कुछ बच्चे यहाँ पे बहुत होशियार होंगे तो वो यहाँ पे सीधे सीधे कर देंगे, इसको प्लस और माइनस करके करेंगे, लेकिन आपको प्लस और माइनस करके नहीं करना है, यहाँ पे आपसे बोला गया है कैसे करना है, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, कैसे करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, या फिर बोले प्रतिस्थापन विधि, हिंदी में लिखते हैं प्रतिस्थापन विधि से करना है, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करना है हमें, एक बार ये हमारी पहली इक्वेशन है और ये हमारी कैसी इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन है, हम लोग पहली इक्वेशन को लेके चलते हैं, x प्लस वाई बराबर 14, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान हम लोग निकाल लेते हैं, एक x को उधर रखिए, बाकी सबको बराबर के उधर भेज दीजिए, 14 माइनस वाई हो जाएगा, ये हमारा मान आ गया, किसका आ गया, एक्स का मान आ गया, यहां से हमारा एक्स का मान आ गया। अब जो यही एक्स का मान है उठा करके कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, तो पुट इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 में रखने पर तो क्या होगा, यहां पे होगा x की जगह रख सकते हैं 14 माइनस वाई रख सकते हैं, ये x का मान मैंने रख दिया, माइनस लगा हुआ है माइनस लिख दिया, y लिखा हुआ है y लिख दिया, बराबर लिखा हुआ और बराबर के बाद 4 लिखा हुआ है, ये रख दिया। मतलब मैंने क्या किया, जो x का हमने यहां से पहली क्वेश्चन से जो x का मान निकाला था वही x का मान पूरा पूरा पुट कर दिया x की जगह पे, क्योंकि x बराबर इतना हो सकता है तो x का मान यही जगह रख दिया, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, ये हो गया 14 माइनस वाई, और ये भी माइनस वाई है, हो गया बराबर 4, ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस का होता 4 माइनस 14 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, लेकिन निशान किसका आएगा, माइनस का आएगा, माइनस 2y हो जाएगा, ठीक है। माइनस 2y इक्वल टू 4 में से 14 जाएगा कितना बचेगा, माइनस का आएगा, माइनस का 10 आएगा,
ठीक है, समझ रहे हैं? 14 बड़ा है, 4 छोटा है, माइनस का 10 आएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, और 2 से 2 एक कम 2 और 2 पंचे 10, तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर हमारे पास आ गया 5। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ y बराबर 5 निकाला है, x बराबर नहीं निकाला है, तो y का मान यहां पुट करिएगा, यहां पे भी पुट कर सकते हैं, यहां पे भी पुट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा जरूरी है यहां पे पुट करिए, क्योंकि यहां से सीधे निकल जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 14 माइनस 5 बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा मान, x बराबर 5, ठीक है, x बराबर 9, y बराबर 5 आ गया। ठीक है, बहुत आसान सा था, कुछ नहीं करना था। ठीक है, समझ गए होंगे, इसी तरह के जितने भी आगे भी क्वेश्चन है वो करेंगे, लेकिन हम, मैं आपको सारे क्वेश्चन, मैंने आपसे बोला था मैं कराऊंगा, तो मैं आपको सारे क्वेश्चन ही कराऊंगा। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे हम लोग एक्सरसाइज 3.3 में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं। आप लोग क्वेश्चन नोट कर लिया करिए, एक बार को वीडियो को पॉज करके जो स्क्रीनशॉट मैंने आपको नीचे दे रखा है, क्वेश्चन आते हैं उनको आप क्या करिए, लिख लिया करिए, नोट कर लिया करिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। पहले का दूसरा क्वेश्चन क्या है, एस माइनस टी इक्वल टू 3, क्या है, एस माइनस टी इक्वल टू 3, ये हमें दिया गया है, एस बाई 3, एस बाई 3 प्लस टी बाई 2, टी बाई 2 इक्वल टू कितना है, 6 है। बच्चे इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो कैलकुलेशन को अच्छी करिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, कैसे करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 को ले लेते हैं, तो s बराबर 3 प्लस टी हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है, इधर जाएगा तो x बराबर 3 ये आ जाएगा। अब s का मान हमें पता चल गया, अब s का मान उठा करके हम यहां रख देंगे तो हमारा सीधे सीधे निकल जाएगा। ठीक है, यहां रख दीजिए, 3 प्लस टी अपॉन 3 हो जाएगा, क्योंकि हमने s की जगह मान के रखा 3 प्लस टी रख दिया। ठीक, समझ गए, प्लस t को t ही रहने दीजिए आखिर। देखिए हम क्या कर रहे हैं, इन सब में सबको एक वेरिएबल में लेके आ रहे हैं, यहां पे दो वेरिएबल थे ना, लेकिन हमने इसमें क्या किया, यहां पे भी दो वेरिएबल थे, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि सबको एक वेरिएबल में लेके आ जाए, तो एक वेरिएबल में एक इक्वेशन का मान निकल जाएगा। ठीक है, बराबर 6, ये हो गया। अब इसको इससे भाग करिए, मतलब इसको तोड़ सकते हैं, 3 प्लस टी को ऐसे तोड़ सकते हैं, ऐसे भी हम लोग तोड़ सकते हैं इस चीज को हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं। ठीक है, बराबर टी बाई 2 हो जाएगा, बराबर 6 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, यहां से कटेगा तो 1 आ जाएगा, तो यहां आ गया 1 प्लस टी बाई 3 प्लस टी बाई 2 बराबर 6, ये चीज आ गई कि नहीं है, मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं। अब ये प्लस का 1 है, तो प्लस का 1 जब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, और 6 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये चीज आ गई हमारे पास। आगे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो यहां पे नीचे क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और यहां पे 2t आ जाएगा, और यहां पे 3t आ जाएगा, बराबर 5, ये चीज आपको आनी चाहिए, एलसीएफ एलसीएम लेना आपको आना चाहिए। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5t हो जाएगा, 5t अपॉन 6 हो जाएगा, बराबर 5, 5 से 5 कट जाएगा तो t बराबर कितना आ जाएगा, और ये 1 आएगा, 5 एकम 5, यहां पे 1t बाई 6 इस तरह से लिख देता हूं। ठीक है, उसके बाद t बराबर ये ऊपर चला जाएगा तो 1 इंटू 6, तो t बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मैंने जो है आपके क्या कहते हैं लेंदी कर दिया है क्वेश्चन को, लेकिन मैंने इसलिए लेंदी कर दिया है ताकि आपको समझ में आए कैलकुलेशन में कर क्या रहा हूं, कुछ बच्चे अगर नहीं समझ पा रहे तो कैलकुलेशन समझ में क्या कर रहा हूं। तो t बराबर 6 आ गया, अभी हमें s बराबर निकालना है, तो s यहां से पता चल जाएगा कि नहीं, यहां पे t बराबर 6 रख दीजिए, t बराबर 6 रख देंगे तो 6 3 9, s बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, हम लोग बहुत आराम से पढ़ेंगे और एक एक क्वेश्चन को मैं आराम से लेके चल रहा हूं। ये आपका कौन सा मेथड है, ये आपका मेथड है प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अच्छा, आपके में क्रॉस जो आपके क्रॉस करके जो नियम निकालते हैं जैसे वज्रगुणन विधि कहते हैं, वो नहीं है आपके कोर्स में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। पहले का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3x माइनस y इक्वल टू 3,
अगला है 9x माइनस 3y माइनस 3y इक्वल टू 9 इक्वल टू 9। ठीक है, यहां पे एक चीज देखिएगा बच्चे, चलो अच्छा सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व नहीं कर लेते हैं, यहां पे सॉल्व करते हैं एक बार। यहां पे जैसे पहली क्वेश्चन है और ये दूसरी क्वेश्चन है, ठीक है, मैं आपको बात बताता हूं। पहली क्वेश्चन में जरा 3 से गुणा करके देखिए, 3x माइनस वाई बराबर 3। इस पूरी क्वेश्चन में हम 3 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करिए तो कितना आ जाएगा, 3 तिहाई 9 आ जाएगा, 9x माइनस ये 3y हो जाएगा और बराबर यहां पे भी 3 से गुणा करेंगे बराबर 9। ठीक है, अब तरह ये क्वेश्चन देखिए और ये क्वेश्चन देखिए, एक ही आ रही है कि नहीं आ रही, एक जैसी आ रही है। तो कभी भी अगर एक जैसी क्वेश्चन होगी तो क्या होगा भाई, क्या होगा बताइए, आप लोग बताइए। जब एक इस लाइन की मैंने आपको बताया था, जैसे ये लाइन है, ये ए बी लाइन है और ये सी डी लाइन है, इस लाइन की भी क्वेश्चन वही है और इस लाइन की भी क्वेश्चन वही है, तो क्या होंगे, ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। ठीक है, ये मान लीजिए ए बी लाइन थी और मैं ब्लैक पेन से बना दे रहा हूँ सी डी, ब्लैक पेन से बना दे रहा हूँ सी डी, तो ये सी डी एक दूसरे को क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। जो ओवरलैप करेंगे तो क्या आएंगे, मैनी सोल्यूशन आएंगे, क्या आएंगे, मैनी सोल्यूशन, मैनी सोल्यूशन। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैथमेटिक्स में एक ही चीज के कई सॉल्यूशन है, ऐसा कभी नहीं होता। जब मैनी सॉल्यूशंस आते हैं तो उसे कहते हैं, एक फॉर्म होती है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहते हैं, क्या कहते हैं, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहते हैं, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये चीज आ रही है। ठीक है, इसके आगे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इसमें आप ये लिख सकते हैं देयर इज अ मैनी सॉल्यूशन, यहां पे बहुत सारे सॉल्यूशन है। हिंदी वाले बच्चे इस तरह से लिख सकते हैं, बहुत सॉल्यूशन है, बहुत हल है। ठीक है, इसे कहते हैं इंडिटर्मिनेंट फॉर्म। थोड़ा सा मैं और भी अच्छे से बता देता हूं, अगर ये समझ में नहीं आया है तो मैं थोड़ा सा और बता देता हूं। मैंने इसीलिए बोला था कि एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 दोनों करके आना, तभी एक्सरसाइज पे आना। ठीक है, मतलब आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मेरे अगर कोई भी क्लास समझनी है तो सबसे पहले चैप्टर 1 कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद चैप्टर 2 कंप्लीट करना पड़ेगा जो आपका पॉलीनोमियल है, उसके बाद चैप्टर 3 कंप्लीट करना पड़ेगा। हम लोग धीरे धीरे आगे क्यों बढ़ रहे हैं, मैं एकदम से आप लोगों के लिए ट्राइंगल क्यों नहीं करा दे रहा, ताकि ट्राइंगल कराने से पहले आपको थोड़ी समझ तो हो जाए कि ये चीज हो रही है हमारे साथ। ठीक है, चले इसको जरा सॉल्व करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, या सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, पहली क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं, हमें x का मान निकालना है, तो 3x बराबर हो जाएगा, ये y इधर चला जाएगा तो ये 3 और ये माइनस का y है तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस का y। ठीक है, 3 को इधर भेज देंगे, x बराबर 3 प्लस y, ये अपॉन में 3 चला जाएगा। अपॉन में 3 क्यों हो गया, क्योंकि 3 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, जब बराबर के इधर जाता है तो क्या हो जाता है, भाग में हो जाता है। ठीक है, ये चीज आ गई। अब x का मान हमें पता चल गया, x का मान यहां पुट कर दीजिए, पुट करिए भैया आप लोग, x का मान पुट किया हमने तो 9 इंटू x का मान कितना था, 3 प्लस वाई अपॉन 3, ये चीज था माइनस 3y इक्वल टू 9। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं, ये 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। ठीक है, फिर आगे अंदर गुणा कर, अब चलिए नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, 3 प्लस वाई हो गया माइनस 3y इक्वल टू 9 हो गया, ये 3 है। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं तो यह हो जाएगा 3 तिहाई 9 प्लस 3y हो जाएगा माइनस 3y इक्वल टू 9। अब यहां पे देखिएगा, ये और ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, 9 बराबर 9 बचेगा, इसका कोई हल नहीं निकल रहा है। यहां पे आपको y का मान निकला क्या, नहीं निकला, यहां पे आप y का मान नहीं निकाल सकते और x का मान भी नहीं निकाल सकते। जब x और y का मान नहीं निकलेगा तो यहां पे चेक करिएगा कि कहीं ये कोइंसाइडिंग तो नहीं है, कोइंसाइडिंग तो नहीं है, या फिर हिंदी में बोलते हैं संपाति तो नहीं है। ठीक है, क्या है, संपाति तो नहीं है, क्योंकि यहां पे जो इक्वेशन है पहली, इसका ग्राफ ऐसे बन रहा है और इसका ग्राफ भी आगे दूसरी वाली इक्वेशन का ग्राफ भी ऐसे बन रहा है, मतलब सेम एक ही लाइन पे और एक दूसरे को क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। तो तभी मैंने बताया यहां पे क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशंस, मतलब बहुत हल होंगे।
इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि मैं आपको एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, जिसमें दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर चार पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चार एक बार देख लेता हूं, रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं। चलिए ठीक है, चल रही है। पहले का चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे। कुछ नहीं है बच्चे, आपको सिर्फ एक सिंपली सॉल्व करना है हर एक क्वेश्चन में, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया है वैसे ही करना है, कुछ नहीं है। 0.2x प्लस 0.3y, 0.3y इक्वल टू कितना हो गया, 1.3 हो गया, 1.3 हो गया। अगली क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.4x प्लस 0.5y, 5y बराबर कितना हो गया, 2.3 हो गया, 2.3 हो गया। इसको आप चाहे तो बिना कुछ किए ऐसे ही रखते चले जाते हैं, नहीं तो आप चाहो तो बटे के रूप में बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसको हम पहली क्वेश्चन को क्या लिख सकते हैं, पहली क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूं, तो यहां पे पॉइंट हम अगर हटाएंगे, यहां से अगर पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये चीज आ जाएगी प्लस। यहां पे भी अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3/10 आ जाएगा, वाई आ जाएगा बराबर। यहां से भी पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। अब आप 10 10 को काट सकते हैं, इसको काट दीजिए, कट जाएगा ना, क्योंकि इधर से भी 10 कॉमन आएगा, उधर से भी 10 कॉमन आएगा, कट जाएगा। ये आ गई हमारी पहली क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये पहली क्वेश्चन आ गई, ठीक है। मतलब पहली क्वेश्चन को मैंने सिंप्लीफाई करके ये कर दिया, जरा दूसरी क्वेश्चन को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको जरा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, अरे भाई इतना बटा 10 करो, यहां पे ये जो पॉइंट हटाओगे तो यहां 10 नहीं आ जाएगा, सब में 10 10 10 10 आ जाएगा, यहां पे भी 10 आ जाएगा, यहां पे भी 10 आ जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। वही चीज मैंने यहां पे भी अप्लाई करी है। तो ये हमारी पहली क्वेश्चन आ गई, या दूसरी क्वेश्चन आ गई, ठीक है। अब तो सॉल्व कर लेंगे बड़े आराम से। कैसे सॉल्व करेंगे, यहां से एक्स का मान निकालते हैं। चलिए पहली क्वेश्चन से हम लोग क्या करते हैं, एक्स का मान निकालते हैं। ये जो पहली क्वेश्चन है यहां से हम लोग एक्स का मान निकालेंगे, ठीक है। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 13, ये इधर चला जाएगा -3y और अपॉन में आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। मैंने डायरेक्ट थोड़ा सा किया है, आप लोग समझ गया होंगे मैंने कैसे किया है, क्योंकि मैंने अभी तक 2-3 क्वेश्चन में वही कर रहा था। यहां x का मान निकला, x का मान यहां पुट कर दीजिए तो हो जाएगा 4 इंटू 13 -3y अपॉन 2 प्लस 5y बराबर 23। यहां से काटेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां कर रहा हूं 13 दूना 26 हो जाएगा, -3 दूना 6, 6y प्लस 5y बराबर 23 हो जाएगा, ठीक है, इतनी सी बात है। चलिए यहां से आगे सॉल्व करते हैं, 26 माइनस, ये माइनस का 6y है, ये प्लस का 6y है, कितना बचेगा, जोड़ करके माइनस का y बचेगा और बराबर 23 है। इसको इधर भेज देंगे तो ये माइनस का y रहेगा, 23 माइनस 26, ये प्लस का 26 है, जब इधर जाएगा तो माइनस का 26 हो जाएगा। बस आपको यही करना है कि कोई भी गलती ना होने पाए, ठीक है। माइनस का 3 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, वाई बराबर 3 आ जाएगा। यहां से हमारे पास वाई बराबर 3 आ गया, यहां पे पुट कर देंगे तो हमें एक्स का मान मिल जाएगा। चलिए एक्स का मान निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, 13 माइनस 3 इंटू, ये इंटू में 3 इंटू वाई होता है तो 3 इंटू 3 हो जाएगा, क्योंकि वाई का मान हमने यहां पे 3 रख दिया अपॉन 2। ये कितना हो जाएगा, 13 3 9, और 13 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4/2 बराबर 2 आ जाएगा। मतलब हमें x का मान कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है, मैं आपके लिए छोड़ता हूं, और अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे बोल सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम पे आप मुझे बोल सकते हैं। मैंने टेलीग्राम का लिंक आपको बता दिया है, क्या होगा, मून जसवाल मैथ्स, ठीक है, ये चैनल है मेरा, मून जसवाल मैथ्स करके है, आप यहां पे मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। बहुत आराम से मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि पढ़ाई बहुत आराम से होती है। पहली चीज, हमेशा मैं आपसे बोलता हूं कि नींद पूरी होनी चाहिए,
पेट आपका भरा होना चाहिए और आपने अच्छी तरह से खेल रखा हो वो होना चाहिए, ठीक है। खेल में मतलब सब कुछ आ जाता है, आपने मूवी देख रखी हो, जो आपका मन करता हो खेलना कूदना, आपका मूवी देखना, आपने एंटरटेनमेंट कर रखा हो। अब होती है पढ़ाई, और पढ़ाई बहुत ज़्यादा देर नहीं करी जाती है कि हम 8-10 घंटे से पढ़े जा रहे हैं, पढ़ाई होती है कुछ देर के लिए, जितने जब तक आपका मन कर जाए, ठीक है। मन नहीं कर रहा छोड़ दीजिए पढ़ाई, फिर बाद में पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इंग्लिश में पढ़ता हूँ, इंग्लिश में, हिंदी में भी आपके सामने आ रहा होगा। सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। हेंस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m फॉर द विच y = mx + 3। यहाँ पे देखेगा क्वेश्चन नंबर टू क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर टू है, यहाँ पे आपके सामने दो इक्वेशन दी गई हैं। कौन कौन सी इक्वेशन दी गई हैं? 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24, ठीक है। ये चीज आपके सामने दी गई है। हिंदी वाले बच्चे समझ लें कि ये दोनों इक्वेशन दी गई हैं और m का मान पूछा गया है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m, m का मान बताइए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 होगा, जिसके लिए क्या होगा y बराबर mx प्लस 3 होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन का सॉल्व कैसे करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले बच्चे एक साथ समझिएगा। ये दोनों ही क्वेश्चन दी गई हैं, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ एक्स वाई नहीं निकालना है, हमें यहाँ निकालना है m निकालना है। क्या निकालना है? m निकालना है। m क्या होगा? तो अगर हमें x और y की वैल्यू पता चल जाए तो यहां यहां हम पुट कर देंगे और खाली बचेगा m, तो m निकाल लेंगे सीधे, ठीक है। तो x और y की वैल्यू पता कहां से चलेगी? यहां से पता चलेगी, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू पता चलेगी, ठीक है। अब इन दोनों में आपसे कतई नहीं बोला गया, देखिए इस एक्सरसाइज की अगर मैं बात छोड़ दूं तो वहां पे अगर एग्जामिनेशन में आ जाता है तो आपसे ये बोला गया है कि यहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है या प्रतिस्थापन विधि लगानी है। यहां पे आपसे सब्स्टिट्यूशन मेथड तो बोला नहीं गया है कि ये लगा के एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, या प्रतिस्थापन विधि ये आपसे बोला गया है इस क्वेश्चन में कि प्रतिस्थापन विधि लगाइए, नहीं बोला गया है। यहां पे आपसे बोला गया है कि ग्राफ मेथड से निकालना है, ग्राफ मेथड से निकालना, नहीं बोला गया है, ठीक है, नहीं बोला गया है। यहां पे आपसे ये बोला गया है कि यह एक सिंपली सॉल्व करके, जो सिंपल मेथड होता है उससे सॉल्व करके निकालिए सिंपल मेथड से, नहीं बोला गया। तो आप इनमें से कोई भी लगा सकते हो, जब बोला नहीं गया है तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए हम कोई भी मेथड लगा सकते हैं, चाहे ये मेथड, चाहे ये मेथड, चाहे सिंपल मेथड, कोई भी मेथड लगा सकते हैं। चलिए हम प्रतिस्थापन विधि से कर दे रहे हैं, आप दोनों विधि से और बाकी करके देखिएगा। यहां पे क्या करेंगे, यहां पे इस इक्वेशन को हम लोग जरा x में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 11 - 3y, ये प्लस का 3y इधर चला जाएगा, माइनस का 3y अपॉन 2 हो जाएगा। ये x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए तो 2 × 11 - 3y हो जाएगा अपॉन 2 - 4y = -24। हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाली पहले इक्वेशन से और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दी, यही वैल्यू हमने क्या करी दूसरी इक्वेशन में, यहां x की जगह पुट कर दी, ठीक। इसको इससे काट देंगे, क्या बचेगा, 11 - 3y - 4y = -24 आ जाएगा। ये प्लस का 11 है, जब इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 11 हो जाएगा। तो माइनस माइनस जुड़ते हैं हमेशा, चिन्ह माइनस ही रहता है, कितना आ जाएगा 25 हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा आपका -7y आ जाएगा, ठीक है। आई होप मैं सही कर रहा हूँ, ये 35 आ जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा 7y = 35। तो 7 × 7 = 35, y बराबर कितना आ गया, y बराबर 5 आ गया। जब y बराबर 5 आ गया तो y बराबर 5 यहां पुट कर देंगे और x की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे पुट करेंगे, 11 - 3 × ये y है, y का मान कितना है 5 है, 5/2 बराबर 5 × 3 = 15, ठीक है, 5 × 3 = 15 और 15 में से 11 गया तो -4/2 आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आएगा, 2 × 2 = 2, 2×2 = 4, तो x बराबर -2 आ गया। x बराबर कितना आ गया, -2 निकला है, y बराबर कितना निकला था 5, यहां पुट कर देंगे, यहां पे पुट कर दीजिए, यहां पे पुट करिए, तो y बराबर कितना आया था 5 आया था, 5 यहां रख दिया, बराबर m रखा,
एक्स का मान कितना आया था -2, तो ये -2 ब्रैकेट में रखिएगा, ठीक है, +3 -2 ये दिखाता है कि हम m के साथ गुणा कर रहे हैं, इसलिए मैंने ब्रैकेट में रखा है, ठीक है। तो 5 × -2m हो जाएगा और +3 हो जाएगा, +3 इधर चला जाएगा, तो 5 - 3 बराबर -2m हो जाएगा। ये कितना बचेगा, 2 बचेगा और यहाँ पे -2m, ठीक है। ये 2 से 2 कट जाएगा तो m यहाँ पे 1 बराबर -m हो जाएगा और m बराबर कितना हो जाएगा -1, ठीक है। यहाँ पे m बराबर कितना निकला हमारे पास, -1 निकला। हमें यही चीज करना था और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है। आपको आई होप समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। देखिए मैं आप लोगों की तरफ अभी नहीं देखूंगा, इसलिए नहीं देखा क्योंकि मुझे थोड़ा सा कोर्स भी अच्छे से कवर करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी आंखों के सामने होगा और इसमें आपके दो पार्ट हैं, दो नहीं काफी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके 5-6 क्वेश्चन हैं, ठीक है, 6 क्वेश्चन है और 6 ही क्वेश्चन, 6 के 6 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करके चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ लीजिएगा आप लोग, कि आपके सामने लीनियर इक्वेशन दी गई है और उनके अब जो हल करने हैं वो प्रतिस्थापन विधि से करने हैं, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। यहाँ पे आपको बोल दिया गया है, हेडिंग पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 3 की, बोला गया है रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए तथा और उनके हल जो है प्रतिस्थापन विधि से करिए, मतलब यहाँ पे लीनियर इक्वेशन बनानी है और उनका जो सॉल्यूशन करना है वो आपको कैसे करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, जो अभी तक मैंने आपको बताया इस एक्सरसाइज में। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं, एक्सरसाइज थ्री के क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं कि क्या दिक्कत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में बताता हूं, पहले मैं इंग्लिश वाले बच्चों को बताऊंगा, ठीक है। इसमें लिखा हुआ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, क्या बोला गया है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, मतलब दो नंबर हैं और उनका डिफरेंस क्या है, 26। मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करिए, जब भी आपको लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आए वहां क्या करेंगे आप लोग, वहां एक चीज करेंगे, जो भी चीज हमें बोली गई है उसको कुछ ना कुछ मान लेंगे, लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें आप क्या समझ में आ रहा है, क्या चीज दी गई है, कोई नाम तो दिए नहीं गए, लेकिन हाँ यहाँ पे एक चीज दी गई है, दो संख्याएं बोला गया है, तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं फर्स्ट नंबर इज लेट, यहाँ पे मान लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर। हिंदी वाले बच्चों को भी बता रहा हूं मैं, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा पहले कर लेता हूं, लेट सेकंड नंबर, ठीक है। हमने माना पहला नंबर जो है हमने x मान लिया और जो सेकंड नंबर है वो हमने y मान लिया, ठीक है, बात समझ में आ रही है। यहां पे हमें बोला गया था दो नंबर दिए गए हैं, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, मतलब दो नंबर हमने मान लिया x और y। आगे क्या बोला गया है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, मतलब दो नंबर हैं और इनका जो डिफरेंस है 26 है, मतलब x माइनस y इक्वल टू 26। ये आ गई हमारी पहली क्वेश्चन, बात समझ में आई, बड़ा आसान है, जो चीज आपसे बोली गई है वही चीज करनी है। आगे क्या बोला गया है, एंड वन नंबर इज थ्राइस टाइम, मतलब वन नंबर, मतलब पहला नंबर जो है वन नंबर इज थ्राइस टाइम, बराबर नहीं लगाता हूं, इज थ्राइस, थ्राइस मतलब होता है तीन टाइम, कितना, 3 times, और मैंने आपको बताया था टाइम्स का मतलब क्या होता है, जब भी आपसे बोला जाए टाइम्स तो टाइम्स का मतलब होता है गुणा, टाइम्स का क्या मतलब होता है, गुणा। इसमें बोला गया एंड वन नंबर, एंड वन नंबर इज थ्राइस टाइम्स द अदर, अदर मतलब दूसरा वाला। अब मैंने आपको बताया था कि यहां पे बराबर लगाने के लिए क्या करते हैं, अगर मैं यहां पे इस इक्वेशन में बराबर लगा देता हूं तो यहां जो हमने थ्राइस टाइम किया है वो यहां नहीं करेंगे, उल्टी तरफ में हम लोग थ्राइस करेंगे, थ्राइस का मतलब थ्राइस टाइम मतलब तीन टाइम, 3 × मल्टीप्लाई, तो यहां मल्टीप्लाई ना करके यहां मल्टीप्लाई करेंगे, बस समझ में आया, समझ में आ गई इतनी बात। अब हिंदी वाले बच्चे चलते हैं, दिया गया है दो संख्याओं का अंतर 26 है, जब भी आपसे कोई चीज बोली जाती है बच्चे तो वहां पे आप मान लीजिए कि कुछ ना कुछ होगा, यहाँ पे जितने लोग दिए गए हैं वहां पे हम x और y मान लेते हैं, तो यहाँ पे हमें दो चीज दी गई है, एक तो दिया गया दो संख्याएं, तो माना पहली संख्या क्या है, हमने x मान लिया,
ये इंग्लिश में आगे लिखा है मैंने, माना पहली संख्या क्या मानी हमने, एक्स मान ली, माना दूसरी संख्या, माना दूसरी संख्या क्या है बताइए आप लोग, दूसरी संख्या है वाई, हमने दो संख्याएं एक्स और वाई मान ली क्योंकि यहां पे बोला गया है। अब आगे क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, अंतर मतलब होता है माइनस, यहां पे बता देता हूं अंतर, अंतर मतलब होता है माइनस, ठीक है। यहां पे बोला गया है दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है, दो संख्याएं कौन कौन सी थी, एक्स और वाई, ये दोनों का अंतर मतलब माइनस जो होगा वो 26 होगा, यहां हमारी बन गई पहली क्वेश्चन, इतनी सी बात समझ में आई। आगे क्या बोला, और एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है, और एक संख्या जो एक संख्या है मतलब ये एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है, तीन गुनी है ये, जिसको मैंने इंग्लिश में बोला था 3 times, तो तीन गुनी का मतलब देखो, गुना का मतलब क्या होता है, गुना का मतलब होता है गुणे, वही मैंने टाइम्स लिखा है, ठीक है, गुना का मतलब क्या होता है गुणे, तो यहां बराबर लगाने के लिए क्या करेंगे, जहां पे तीन गुना दिया गया है उसके उल्टी साइड में तीन गुना करेंगे, उल्टी साइड में क्या करेंगे तीन गुना, तो यहां तीन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, उल्टी साइड में हम लोगों को तीन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई दूसरी, ये हमारी इक्वेशन क्या बन गई, दूसरी इक्वेशन हमारी बन गई। अब यहां पे हमें हल किससे करना है समझिएगा, हल करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, प्रतिस्थापन विधि से, तो यहां हमें पहले ही से मिला है कि एक्स बराबर 3y दिया गया है, यहां पे हमें दिया गया पहले ही से x बराबर 3y दिया गया है, तो यहां पे पुट कर देंगे सीधे x का मान ये पुट कर देंगे पहली इक्वेशन में, तो x का मान कितना है, x का मान हो जाएगा 3y माइनस y इक्वल टू 26 हो जाएगा, तो 3y में से 1y गया कितना बचा 2y बचा बराबर 26, 2 एक कम 2 और 13, तो y बराबर कितना आ गया 13 आ गया। अभी यहां पे x का मान नहीं पता है तो x का मान यहां से निकाल लेते हैं, तो 3 इंटू वाई का मान 13 हो जाएगा और 13 एक कम 13 तो 26 13 39, ठीक है, वाई का मान 39 आ जाएगा, वाई का मान एक्स का मान 39 वाई का मान 30, ठीक, ये हमारे पास आंसर आ गए, ठीक है, बहुत आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी, थोड़ी सी दिक्कत आएगी जब आगे आप क्वेश्चन करोगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट करोगे थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जब हम हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है, हम सारे क्वेश्चन कराएंगे आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 तीसरे का दूसरा करते हैं, तीसरे का दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्या बोला गया है, इंग्लिश और लैंग्वेज समझते हैं पहले फिर हिंदी में समझा दूंगा मैं, ठीक है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 degree, फाइंड देम। अच्छा यहां पे एक चीज बोली है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, अब यहां पे कितने एंगल्स की बात हो रही है, टू एंगल्स की बात हो रही है, तो यहां पे मान लेंगे let first angle is equal to theta 1, let second angle कितनी है theta 2, भाई हमसे यहां दो एंगल की बात हो रही है, हमने पहला एंगल theta 1 मान लिया, दूसरा एंगल theta 2 मान लिया, अच्छा कुछ बच्चे यहां पे सप्लीमेंट्री एंगल नहीं जानते होंगे, तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है समझिएगा, सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जो जैसे मान लीजिए ये 180 का कोण बनाते हैं, ठीक है, दो एंगल जब मिल करके आपस में 180 डिग्री का कोण बनाते हैं तो वो दोनों एक दूसरे का क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, ठीक है। यहां पे आपको दिख रहा है कि ये कितना कोण है, ये कितना कोण है, 180 डिग्री का कोण है, कितने डिग्री का है 180 डिग्री का, और थीटा 1 और थीटा 2 दोनों के मिलने से क्या हो रहे हैं, दोनों के मिलने से 180 डिग्री बन रहा है, इससे हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि थीटा 1 बड़ा है या थीटा 2 बड़ा है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दिया भी नहीं गया वो चीज। यहां पे ये चीज मेरा बताना है कि दो एंगल जब मिला करके आपस में 180 डिग्री का कोण बनाते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। जैसे ये कोण, इतना कोण क्या है थीटा 1 है, और इतना कोण क्या है, इतना कोण थीटा 2 है, तो थीटा 1 और थीटा 2 मिला करके क्या बना है, 180 डिग्री का कोण बना रहे हैं, वो होता है सप्लीमेंट्री एंगल होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 degree। अच्छा यहां से हमें एक इक्वेशन मिल जाती है, एक इक्वेशन सीधे सीधे मिल जाती है, कैसी इक्वेशन, अरे यहां से मिल जाती है थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 180 डिग्री, ठीक है, यहां से हमें एक इक्वेशन तो सीधे सीधे मिल गई भाई, मिल गई। चलिए
जरा शुरुआत से फिर से इसको पढ़ते हैं। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। मतलब इसमें यह बोला गया है कि जो एक एंगल होगा वो दूसरे एंगल से क्या होगा, 18 डिग्री एक्सीड करेगा। एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा, एक्सीड EXCEED, एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा, या हिंदी में या फिर निशान में बोले तो प्लस होगा, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बोले तो क्या होगा, प्लस होगा। मतलब कोई भी एक एंगल मान लीजिए, आप ये एंगल को मान लेते हैं, ये होगा 18 डिग्री एक्सीड करेगा। एक्सीड का मतलब हो जाएगा प्लस करेगा, एक्सीड का मतलब क्या होगा, प्लस करेगा। तो 18 डिग्री यहां प्लस नहीं करेंगे, बराबर करने के लिए क्या करते हैं, 18 डिग्री उल्टी साइड में प्लस कर देते हैं, ताकि तभी तो इक्वेशन बराबर होगी, तभी क्या होगी, इक्वेशन हमारी बराबर होगी। ये हमारी बन गई दूसरी इक्वेशन। ठीक, हिंदी वाले बच्चे आए, क्या बोला गया है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करें। यहां पे हम मान लेते हैं, माना पहला कोण कितना है, थीटा वन है, माना दूसरा कोण है थीटा टू है। देखिए यहां लैंग्वेज में आपको पकड़ना पड़ेगा कि कितनी चीजें दी गई हैं। यहां पे जब बात हो रही है दो संपूरक कोणों की, तो जब दो संपूरक कोणों की बात हो रही तो मतलब दो कोण होंगे, तो इसलिए माना पहला कोण बराबर थीटा वन, माना पहला कोण मतलब दूसरा कोण बराबर थीटा टू। यहां पे मैं एक बात बताना चाहता था, क्या बताना चाहता था, कि जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है, हिंदी में इसे कहते हैं संपूरक कोण। क्या बोलते हैं, संपूरक कोण बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं। संपूरक कोण क्या होते हैं, जब दो कोण मिलकर 180 डिग्री बनाते हैं, मतलब थीटा वन और थीटा टू, जब दो कोण, कोई भी दो कोण हो सकते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं थीटा वन थीटा टू होंगे। यहां पे हम मान लेते हैं, ये मान लीजिए ये फाई है और ये फाई है और ये है ऐसे डेल्टा, तो फाई और डेल्टा मिलके क्या बना रहे हैं, कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं, 180 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो ये दोनों फाई और डेल्टा क्या हो जाएंगे, फाई और जो आपका डेल्टा है वो क्या हो जाएंगे, फाई और गामा दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, संपूरक कोण हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। यही चीज मैं आपको बताना चाहता था। यहां पे थीटा वन और थीटा टू दोनों आपस में मिल करके क्या बना रहे हैं, कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं, 180 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, संपूरक कोण हो जाएंगे। इतना जो कोण है ये थीटा वन है और जो इतना कोण है वो कितना है, थीटा टू है। तो थीटा वन प्लस थीटा टू कितना डिग्री का कोण बना रहे, 180 डिग्री का। वही मैंने यहाँ पे पहली क्वेश्चन के रूप में लिख दिया, हमें पहली क्वेश्चन यहां से पता चल गई कि थीटा वन और थीटा टू दोनों मिलकर 180 का कोण बनाएंगे। ये हमारी पहली क्वेश्चन हमें पता चल गई। दूसरी क्वेश्चन कैसे पता करेंगे, दूसरी क्वेश्चन आपकी दी गई है, देखिए लिया गया दो संपूरक कोणों में से, मतलब दो संपूरक कोणों में से एक कोण, मैं बड़ा कोण जो है, मान लीजिए हमने ये बड़ा कोण मान लिया, मान लेते हैं ये बड़ा कोण है, वैसे कुछ भी मान सकते हैं आप, थीटा टू को भी बड़ा कोण मान सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। मान आप पहला बड़ा कोण, ये बड़ा कोण है, ये 18 डिग्री क्या है, 18 डिग्री अधिक है, अधिक 18 डिग्री क्या है, अधिक है थीटा टू से, 18 डिग्री, ये थीटा वन क्या है, थीटा टू से क्या है, 18 डिग्री अधिक है, अधिक ज्यादा, तो ज्यादा के लिए क्या करते हैं, प्लस का निशान लगाते हैं। तो 18 डिग्री अधिक है तो बराबर करने के लिए 18 डिग्री यहां नहीं जोड़ेंगे, उल्टी साइड में जोड़ते हैं, इसलिए तभी तो इक्वेशन बराबर होगी। तो 18 डिग्री हम लोग यहां कर देंगे, ये 18 डिग्री, छोटा सा जीरो लगाया हमने, वो डिग्री है, ठीक है, ये जीरो मत लगा दीजिएगा बड़ा सा, ये 18 डिग्री है। तो यहां से हमें दूसरी इक्वेशन पता चल गई, ठीक। अब यहां से हम प्रतिस्थापन विधि लगा देंगे, सप्लीमेंट्री है वो जो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देंगे। यहां से हमें थीटा वन की वैल्यू तो पता चली गई सीधे सीधे, थीटा वन बराबर थीटा टू प्लस 18 होगा। अब यही वैल्यू उठा करके हम यहां पुट कर देंगे थीटा वन में, तो थीटा वन में कैसे पुट करेंगे, थीटा वन की वैल्यू क्या है, थीटा टू प्लस 18, ठीक है, प्लस थीटा टू बराबर 180। यहां पर हो जाएगा ये थीटा टू, ये भी थीटा टू, तो टू थीटा टू बराबर 18 डिग्री को उधर भेज देंगे, तो 180 माइनस 18 हो जाएगा, जब घटेगा तो कितना आ जाएगा, 10 घटा 170 हो गया, 170 हो गया, और यहां से भी जब घटेगा तो 160 हो जाएगा, ठीक है, 162 आ जाएगा, तो 2 थीटा 2 बराबर 162 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 8 और 81, थीटा 2 बराबर 81 डिग्री आ गया। यहां से हम पता कर सकते हैं थीटा 2 बराबर कितना गया, 81 डिग्री आ गया, यहां पे आ गया 81 डिग्री आ गया। थीटा 1 कितना आ जाएगा, 81 प्लस 18 कर दीजिए,
थीटा 81 प्लस 18 कितना आ जाएगा, 8 × 9 और 8 × 9 ठीक है, यह चीज आ गई 99 डिग्री और 81 डिग्री। मतलब यहां पे इसका मान आ गया 99 डिग्री और इसका मान क्या आ गया 81 डिग्री। बात समझ में आई कि नहीं आई, बहुत आसान सा चीज था जो हमने आपको समझाया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, अगर नहीं समझ आया तो फिर से एक बार वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने बहुत ही लॉन्ग मेथड में आपको करके बताया। आपको सिर्फ सवाल समझना है, सवाल लगाना नहीं है, ठीक है। सवाल लगाने पे ध्यान मत दिया करिए कभी भी बच्चे, कभी भी ध्यान क्वेश्चन लगाने पे मत दिया करिए, ठीक है, और सवाल को समझने में दिया करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे होगा, एक क्रिकेट टीम ने के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी। यहां पे मैं हिंदी में थोड़ा चलना चाहूंगा क्योंकि मैं बहुत देर से इंग्लिश में बता रहा हूं। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी, यहां में कितनी चीजें दी गई बताइए। 2 चीजें दी गई हैं, एक तो बल्ला दिया गया है, गेंद दिया गया है, मतलब बल्ला दिया गया है और गेंद दी गई है, 2 चीजें हमें दी गई हैं। तो हमने मान लिया बल्ला बराबर एक्स और गेंद बराबर वाई, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहां पे दिया गया है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे, 7 बल्ले मतलब 7x और 6 गेंदे मतलब 6y कितने रुपए में खरीदी, 3800 रुपए में खरीदी। पहले क्वेश्चन को आप देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पहले क्वेश्चन को देखिएगा। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे, 3 बल्ले मतलब 3x प्लस 5 गेंदे मतलब 5y कितने रुपए में खरीदी, 1750 रुपए में खरीदी, कितने रुपए में, 1750 रुपए में खरीदी, ठीक है। ये पहली क्वेश्चन और ये दूसरी क्वेश्चन, बस इतनी सी काम खत्म। उसने बताया कि प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल ज्ञात करो, मतलब एक्स का मान ज्ञात करो, वाई का मान ज्ञात करो। यहां पे आपके इंग्लिश वाले जिस तरह से देखें, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल, तो यहां पे 7 बैट एंड 6 बॉल की बात हो रही है, मतलब बैट और बॉल की बात हो रही है। तो यहां पे हमने बैट को मान लिया एक्स, जो बैट थे आपके एक्स थे, और जो बॉल्स थी बॉल थी उनको हमने वाई मान लिया, ठीक है। बैट कितने थे, एक्स थे, और बॉल कितनी थी, वाई थी। तो यहां पे बोला गया है 7x, यहां पे 7 बैट एंड 6 बॉल, 7 बैट मतलब 6x और 6 बॉल मतलब 6y हो जाएगा 3800 रुपए की। उसी तरह हमारी दूसरी क्वेश्चन भी इसी तरह बन जाएगी, ठीक है। एंड शी बायस 3 बैट, 3 बैट मतलब 3x एंड 5 बॉल, 5 बॉल मतलब 5y, 1750 रुपीज की हमने खरीदी। यहां से हमें x और y का मान निकालना है, तो आप इस इक्वेशन को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके निकाल लोगे कि नहीं, प्रतिस्थापन विधि से या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके निकाल लोगे कि नहीं निकालोगे। निकालना बच्चे आप लोगों के लिए यही होमवर्क है कि आप लोग इस चीज को निकालो, ठीक है। नहीं समझ में आता है तो मैं वहां पे स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा, पर यहां पे ट्राई करना, बिल्कुल बहुत आसान है, ठीक है। आपको एक्स का मान निकालना है और पुट कर देना है, आंसर निकल आएगा, ठीक है। एटलीस्ट इतना तो करो, मैं सारे क्वेश्चन कर रहा हूं, एटलीस्ट आप लोग इतना तो करो। चलिए चौथे क्वेश्चन में चलते हैं, और चौथा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक बार पढ़ देता हूं, ठीक है। हिंदी में आपको आ रहा होगा, पहले हिंदी में करूंगा मैं, फिर उसके बाद इंग्लिश में भी आपको समझाऊंगा पूरी तरीके से, ठीक है। पहले मैं हिंदी में समझाऊंगा। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा भी सम्मिलित किया गया है। 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपए तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए है नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और समझिएगा इसको, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। मैं एक चित्र के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। देखिए यहां पे 0 किलोमीटर है, ठीक है, और यहां पे 10 किलोमीटर, और ठीक है, और यहां पे आ जाता है एक, यहां पे है जगह, यहां पे 15 किलोमीटर पूरी हो जाती है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि 0 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक का कितना भाड़ा है बताइए, 105 रुपए भाड़ा है, ठीक है, ये भाड़ा बोल रहा है। उसने ये बोला है कि 15 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा है, 155 रुपए, मतलब 15 किलोमीटर मतलब समझिएगा यहां से यहां तक का जो कुल भाड़ा है वो कितना है, 155 रुपए है, ठीक।
हमसे क्या बोल रहा है कि ज्ञात कीजिए एक नियत भाड़ा क्या होगा, नियत भाड़ा क्या होगा। दूसरा, प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा, प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा। और तीसरा हमसे पूछा गया है कि यह बताइए आप 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या होगा। ठीक है, यही चीज बोली गई है, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या होगा। अब समझिएगा क्या है ये क्वेश्चन। देखिए यहां पे एक चीज मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने आपसे बोला कि एक ऑटो वाला है, आपने बोला कि हमें 10 किलोमीटर का सफर तय करना है, तो कहा ठीक है हम चलेंगे, तो कहा भैया कितने रुपए पर किलोमीटर लेते हो, तो कैब वाले ने आपसे बोला कि भैया हम आपसे 7 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से लेंगे, तो ठीक है चलिए हम चलते हैं 7 रुपए पर किलोमीटर। लेकिन उसने बोला भैया हम 7 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से तो चलेंगे, आपका घर यहां से 10 किलोमीटर है, कितना हो गया 70 रुपए हो गया, लेकिन उसके अतिरिक्त हम अपना मेहनताना भी लेंगे और जो होगा वो 20 रुपए होगा। मतलब 70 रुपए तो ले रहा है, 7 किलोमीटर 7 रुपए पर किलोमीटर तो ले रहा है, 10 किलोमीटर का सफर है आपका तो 70 रुपए तो वो हो गया, प्लस 20 रुपए मेहनताना ले रहा है, तो 20 रुपए जो मेहनताना हुआ वही हो गया नियत भाड़ा। नियत भाड़े की बात कर रहे हैं यहां, नियत भाड़ा क्या होगा, प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा और 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या होगा, यहां तीनों चीजें निकालनी है। तो समझिएगा क्या है, देखिए 0 से लेकर 10 किलोमीटर तक सफर में तो 105 रुपए है, ठीक है, और 0 से लेकर 15 किलोमीटर तक सफर में कितना रुपए है, 155 रुपए। अब ये मेरे को बताइए कि 10 यहां से 10 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक के बीच का किलोमीटर कितना हुआ, किलोमीटर की बात कर रहा हूं, रुपए की बात नहीं कर रहा हूं, 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर के बीच में कितना किलोमीटर हुआ, 5 किलोमीटर हुआ। अब बोलोगे 5 किलोमीटर हो गया, ठीक, यहां से इसके बीच में भाड़ा कितना हुआ, तो आप बोलोगे कि हम इतने भाड़े में से इतना भाड़ा हटा देंगे तो हमें इतने का भाड़ा पता चल जाएगा, 105 155 में से 105 हटा दोगे कितना हो गया, ये हमारे पास आ गया 50 रुपए। एक बात बताता हूं मैं, यहां पे जो 105 रुपए है ना, ये 105 रुपए है, इसमें दो चीजें सम्मिलित हैं, एक तो नियत भाड़ा सम्मिलित है और दूसरा है आपका प्रति किलोमीटर भाड़ा। लेकिन जो यहां का जो बीच का हिस्सा है, इसमें आपका नियत भाड़ा सम्मिलित नहीं है, ये जो है आपका ये कैसा है, प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो बस बड़े आराम से निकाल लेंगे, 5 किलोमीटर तक के सफर का भाड़ा कितना है, 50 रुपए है, 5 किलोमीटर यहां लिखेंगे, 5 किलोमीटर के सफर का भाड़ा, सिर्फ सफर का भाड़ा है या नियत भाड़ा नहीं है, सफर का भाड़ा जो है वो है आपका 50 रुपए है, ठीक है। तो एक किलोमीटर के सफर का भाड़ा कितना हो जाएगा, 50/5 हो जाएगा, और 5 एकम 5 50 = 10 रुपए। यहां हमें एक चीज तो पता चल गई, 1 किलोमीटर के सफर का भाड़ा कितना है, 10 रुपए। यहां हमें पता चल गई प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना है, यहां हम लोग देखेंगे 10 रुपए। एक चीज तो हमें पता चल गई, नियत भाड़ा अभी भी हमें पता नहीं चला। तो नियत भाड़ा कैसे निकालेंगे, मैं इसको मिटा देता हूं, नियत भाड़ा कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बोला यहां नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा दोनों सम्मिलित हैं, तो यहां लिख लेते हैं नियत भाड़ा प्लस प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है भाई, बताओ आप लोग, 105 रुपए। लेकिन 105 रुपए कितने किलोमीटर तक है, 10 किलोमीटर तक, ठीक है। तो नियत भाड़ा तो हमें अभी भी नहीं पता, यहां लिख देते हैं नियत भाड़ा। लेकिन यहां पे प्रति किलोमीटर भाड़ा हमें पता चल चुका है कितने रुपए है, 10 रुपए है। 1 किलोमीटर का 10 रुपए है, तो हम चले कितना है यहां से, 105 रुपए में चले कितना है, 10 किलोमीटर चले हैं ना, तो यहां पे 10 किलोमीटर चले हैं, 10 किलोमीटर और प्लस 10 रुपए प्रति किलोमीटर भाड़ा, तो कितना हो गया, 100 रुपए हो गया, 105 रुपए हो गया, ये 10 × 100 हो जाएगा, ठीक है। मैंने वही चीज आपको बताइए, 10 किलोमीटर चले हैं और 10 रुपए भाड़ा है, तो कितना हो जाएगा, 100 रुपए हो जाएगा। तो नियत भाड़ा बराबर पता चल जाएगा कि नहीं, इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 100 बराबर कितना आ जाएगा, नियत भाड़ा कितना आ गया, 5 रुपए। नियत भाड़ा बराबर 5 रुपए आ गया। नियत भाड़ा यहां में पता चल गया कितना आ गया, 5 रुपए आ गया। अच्छा, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना होगा,
अब ये सब भूल जाइए, यहां पे सिर्फ ये नहीं बोल रहा 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना, ये सब तो पता चल गया होगा ना आपको, ठीक है। यहां पे पूछा गया है 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना होगा, तो 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा बताइए कितना होगा, प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपए है, तो 25 के लिए 10 किलोमीटर भाड़ा कितना हो गया, 250 रुपए हो गया। लेकिन सिर्फ 250 नहीं आएगा, एक नियत भाड़ा भी तो जुड़ेगा। अगर भाई किसी को जीरो से 25 जाना है, मतलब जीरो से 25 किलोमीटर तक जाना है, ठीक है, एक किलोमीटर का भाड़ा कितना है, 10 रुपए है, तो 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो गया, 25 × 10 बराबर 250 हो गया। ये तो सिर्फ भाड़ा भाड़ा हो गया। उसने कहा मेरी मेहनताना, मतलब मेहनताना कितना है, 5 रुपए, तो 250 में 5 और जोड़ दोगे, 250 में प्लस 5 और जोड़ दोगे, कितना हो गया, 255 रुपए हो गया। ये आ गया आपका आंसर, 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो गया, 255 रुपए। जिन लोगों को नहीं समझ आया मैं फिर से बता देता हूं कैसे होता है। देखिए अगर आप शुरुआत से चलोगे, शुरुआत से कितना भी चलो, तो आपको प्रति किलोमीटर भाड़ा प्लस नियत भाड़ा देना ही होगा। तो हमने पहली, जो हमारी पहली चाल थी वो कैसी थी, 0 से 10 किलोमीटर तक के लिए थी, और कितने रुपए बने, 105 रुपए बने। मतलब जो 105 रुपए होगा उसमें नियत भाड़ा तो होगा ही होगा, प्लस प्रति किलोमीटर भाड़ा भी होगा, ठीक है। तो हमने लिख दिया नियत भाड़ा प्लस प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर 105 रुपए, जो मैंने यहां पे किया था, ठीक। दूसरी बात मैंने बोली कि यहां से लेकर के यहां तक के लिए कुल भाड़ा कितना था, 155 रुपए था। मतलब यहां से यहां तक के लिए भाड़ा कितना हो जाएगा, अरे 155 में से 5 घटा देंगे ये बचेगा नहीं, 50 रुपए। और यहां से यहां तक के बीच का सफर कितना था, 5 किलोमीटर का सफर था। अगर कोई यहां से यहां तक चल रहा है तो उसमें नियत भाड़ा नहीं जुड़ेगा, क्योंकि नियत भाड़ा हमेशा शुरुआत से जुड़ता है। नियत भाड़ा कहां से जुड़ता है, शुरुआत से जुड़ता है। तो इसलिए 5 किलोमीटर का जो सफर है वो कितने रुपए में हो गया, 50 रुपए में। 1 किलोमीटर का सफर कितना हो गया, 10 रुपए निकालेंगे तो वही मैंने बोला है प्रति किलोमीटर भाड़ा हो गया 10 रुपए। अब यहां पे प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपए हमने रख करके 10 किलोमीटर का यहां से नियत भाड़ा निकाल लिया, ठीक है। 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा पूछा गया है, तो यहां से यहां तक का 25 किलोमीटर का सफर है, भाड़ा कितना है प्रति किलोमीटर, 10 रुपए है, तो 25 × 10 बराबर 250 हो गया। और हमें एक नियत भाड़ा भी तो जोड़ना होगा, क्योंकि हम शुरुआत से चल रहे हैं। मैंने हमेशा बोला है शुरुआत से अगर चलेंगे तो नियत भाड़ा भी जुड़ जाएगा। ये हो गया, इंग्लिश वाले बच्चे समझ लें। अब यहां पे इंग्लिश वाले बच्चे समझे जरा, ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे समझ लें क्या होगा, तब मैं आगे बढ़ता हूं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और इंग्लिश वाले बच्चों को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक टैक्सी ने बोला कि एक कंसेशन चार्ज वो फिक्स चार्ज जरूर लेगा, क्या लेगा, पहला फिक्स चार्ज, फिक्स्ड चार्ज की बात हो रही है, फिक्स्ड चार्ज की बात हो रही है, क्या होगा। दूसरी बात हो रही है पर किलोमीटर चार्ज, पर किलोमीटर चार्ज कितना होगा। और तीसरी बात हो रही है कि 25 किलोमीटर का चार्ज कितना होगा, ठीक है। ये चीजें हमें तीनों निकालनी है। एक बात समझिएगा, अगर हम 0 से 10 किलोमीटर तक के लिए चल रहे हैं तो कितना रुपए ले रहा है टैक्सी वाला, 105 रुपए ले रहा है। 105 रुपए में ध्यान दीजिएगा, 105 रुपए में दो चीजें शामिल हैं, एक फिक्स्ड चार्ज प्लस पर किलोमीटर चार्ज, ठीक है। मतलब यहां पे मैं लिख सकता हूं, फिक्स्ड चार्ज प्लस पर किलोमीटर चार्ज, प्लस लगाया मैंने, प्लस पर किलोमीटर चार्ज ऑफ 10 किलोमीटर लिख देता हूं। ऑफ 10 किलोमीटर कितना हो गया, 105 रुपए। ये हमारी हो गई पहली क्वेश्चन बन गई, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी पहली क्वेश्चन बन गई है, ठीक है। इसको हम छेड़ेंगे नहीं, इसको हम छेड़ते नहीं। अच्छा, दूसरी बात बोल रहा है कि 0 से अगर आप 15 किलोमीटर चलते हो, 0 से 15 किलोमीटर चलते हो तो कितना रुपए हो गया, 155 रुपए। मतलब 155 में भी फिक्स चार्ज होगा, 155 में भी फिक्स चार्ज होगा, लेकिन फिक्स चार्ज एक ही बार होगा, ये नहीं कि बार बार लिया जा रहा है। अगर हम 10 से 15 किलोमीटर के बीच का भाड़ा निकालते हैं तो कितना निकलेगा, 155 में से हम इतना घटा देंगे तो इतने का भाड़ा निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, वही मैंने निकाला है, 50 रुपए इतने का भाड़ा हो गया। मतलब 10 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक के बीच का भाड़ा कितना हो गया, 50 रुपए हो गया, और 50 रुपए में फिक्स चार्ज नहीं है। और 10 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर तक के बीच में डिफरेंस कितना हो गया, 5 किलोमीटर का। तो यहां लिख सकते हैं कि 5 किलोमीटर चार्ज, द चार्ज ऑफ 5 किलोमीटर लिख सकते हैं, द चार्ज ऑफ 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 50 रुपीज।
तो द चार्ज ऑफ 1 किलोमीटर कितना हो गया, 1 किलोमीटर का चार्ज कितना हो गया, 50/5 हो जाएगा, क्योंकि ये इधर चला जाता है, 5 × 5 मानता हम 50 = ₹10। यहां से हमें एक चीज मिल गई कि पर किलोमीटर चार्ज हमें पता चल गया, यहां से द चार्ज ऑफ 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर मतलब होता है पर किलोमीटर चार्ज हमें पता चल गया कितना हो गया, ₹10 हो गया, यहां हो गया ₹10। अब यहां ₹10 पता चल गया, लेकिन हमें फिक्स चार्ज अभी भी नहीं पता है, तो फिक्स चार्ज कैसे निकालेंगे, देखिए फिक्स चार्ज को फिक्स चार्ज ही रहने देते हैं, फिक्स्ड चार्ज ठीक है प्लस पर किलोमीटर ऑफ 10 किलोमीटर, पर किलोमीटर चार्ज ऑफ 10 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर चार्ज कितना था, ₹10 था, तो 10 किलोमीटर का चार्ज कितना हो जाएगा, 10 × 10 हो जाएगा ₹105 ठीक है, ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके, 10 × 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और जब ₹100 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -100 हो जाएगा ठीक है। तो फिक्स किलोमीटर चार्ज, फिक्स चार्ज कितना आ गया, आ गया ₹5, फिक्स्ड चार्ज आ गया ₹5, फिक्स चार्ज हमारा आ गया ₹5। आप 25 किलोमीटर का चार्ज बता दोगे कि नहीं, ये जो 25 किलोमीटर का चार्ज है बच्चे ये जीरो से शुरुआत हो रही है, ये दोनों को मिटा देता हूं मैं, यहां तक आपको पता चल गया होगा, ये जो फिक्स चार्ज, ये तो 25 किलोमीटर चार्ज की बात हो रही है, जीरो से बात हो रही है, जीरो से 25 किलोमीटर का चार्ज कितना होगा, तो जीरो से लेके 25 किलोमीटर का चार्ज होता है 25 × 10, क्योंकि 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है, ₹10, तो कितना हो गया, ₹250 हो गया, लेकिन इसमें हम लोग ₹5 भी जोड़ेंगे, फिक्स चार्ज तो जोड़ेंगे ना, क्योंकि जब भी जीरो से शुरुआत करेंगे तो उसमें फिक्स चार्ज जरूर जोड़ेंगे, तो कितना हो गया, ₹255 आ गया, इसका मान आ गया ₹255। समझ में आया कि नहीं आया, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें क्वेश्चन में ठीक है, लेकिन आपको एक बार थोड़ा समझना पड़ेगा, एक बार 5 मिनट के लिए बैठ करके अपने दिमाग को पूरी तरह से खोल करके समझना पड़ेगा ठीक है, तभी ये समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको पढ़ते हैं, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं फिर हिंदी में पढ़ूंगा। A fraction become 9/11 if 2 is added both of the numerator and denominator. If 3 is added both of the numerator and the denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. हमसे पूछा क्या गया है? यहाँ पे हमको एक ही चीज पूछी गई है और वही चीज हमें माननी भी है। मतलब let यहाँ पे हमसे पूछा गया है, पांचवा क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ पे फ्रैक्शन क्या होगा? तो लेट फ्रैक्शन जो फ्रैक्शन हमने माना है, फ्रैक्शन है इसको x/y, ये हमने फ्रैक्शन मान लिया, ये हमने क्या किया, फ्रैक्शन हमने मान लिया, तो लेट फ्रैक्शन x/y। इसमें बोला गया है कि इफ टू इज एडेड, चलिए पहली लाइन आप पढ़िएगा, द फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, मतलब फ्रैक्शन जो है वो 9/11 हो जाएगा इफ 2 is added of both of the numerator and denominator. मतलब इस फ्रैक्शन में अगर हम न्यूमरेटर जो ऊपर का हिस्सा होता है, देखिए जो ये अपॉन है, अपॉन के जो ऊपर का हिस्सा होता है उसे कहते हैं न्यूमरेटर ठीक है, ये इस तरह से मैं समझाता हूं, जैसे p/q लिखा है, तो ये जो ऊपर का हिस्सा होता है इसे कहते हैं न्यूमरेटर कहते हैं, जो नीचे का हिस्सा होता है उसे कहते हैं डिनोमिनेटर ठीक है, डिनोमिनेटर। तो इसी बोला गया है कि अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 2 जोड़ देते हैं, दोनों में क्या कर देते हैं, 2 जोड़ देते हैं, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा, 9/11 हो जाएगा। ये आ गई हमारी पहली क्वेश्चन, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहे तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, ऐसे 11 इधर चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन में तो x+2 हो जाएगा ठीक है, बराबर, ये मैंने काटा नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है बच्चे ठीक है, कुछ लोग समझेंगे काट दिया, और ये इधर उठ के इधर चला जाएगा, तो 9 × y+2 हो जाएगा, ये सिंपली सॉल्व करके आ गया हमारा। चलिए थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, 11x+22 = 9y 9 × 18, ये 11x − 9y = 18 − 22 कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा, ये पहली क्वेश्चन है ठीक है, सिंप्लीफाई करके मैंने वही किया। आगे क्या बोल रहा है, इफ 3 इज एडेड ऑफ बोथ ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब अगर 3 ऐड करना है, दोनों में 3 ऐड कर दीजिए, तब क्या हो जाएगा हमारा,
तब ये हो जाएगा 5/6 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, मैं यहां कर रहा हूं, ये 6x+3 हो जाएगा और 5y+3 हो जाएगा, तो 6x+18 आ जाएगा बराबर 5y+15 हो जाएगा, 6x-5y बराबर 15-18, ये आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा। ये आ गई हमें दूसरी क्वेश्चन, ये दूसरी क्वेश्चन थी, यहां से दूसरे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके मैंने ये कर दिया। अब इसको आप लोग, ये पहली क्वेश्चन है, ये दूसरी क्वेश्चन है, इन दोनों को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करिएगा। किससे सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करिएगा, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे जरा आ जाए, हिंदी वाले बच्चों को मैं बताऊं, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो यहां हमसे मान क्या सकते हैं, मान एक ही चीज सकते हैं कि यहां भिन्न दिया गया है, तो माना भिन्न, माना माना भिन्न बराबर, माना भिन्न, भिन्न को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं, तो माना भिन्न बराबर क्या है, x अपॉन y। हमने भिन्न को क्या माना बच्चे, भिन्न को माना x अपॉन y मान लिया। अब एक बात समझिएगा, भिन्न में जो ऊपर वाला चीज होती है, जो बटे के जो ऊपर वाला चीज होती है, इसे कहते हैं अंश कहते हैं, क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और जो नीचे वाला चीज होती है उसे क्या कहते हैं, हर कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में से कहते हैं न्यूमरेटर और हिंदी इंग्लिश में से कहते हैं डिनोमिनेटर, अंश और हर, हिंदी में अंश और हर बोलते हैं। इसमें बोला गया है कि यदि अंश और हर दोनों में 2-2 जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों में हमने क्या जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए, तो भिन्न क्या हो जाती है, भिन्न हो जाती है 9/11 हो जाती है, ठीक है। उसी तरह अगर हम अंश और हर दोनों में 3-3 जोड़ दें तो भिन्न क्या हो जाएगी, 5/6 हो जाएगी। मैंने इस जो पहली क्वेश्चन बनी थी इसको सिंप्लीफाई करके यहां तक ले आए, ये पहली क्वेश्चन हो गई हमारी, इसको सिंपल करके, जब दूसरी क्वेश्चन मैंने बनाई तो इसको सिंपल करके मैं यहां तक ले आया, ये हमारी हो गई दूसरी क्वेश्चन हो गई, ठीक है। ये पहली क्वेश्चन और ये दूसरी क्वेश्चन, अब हमारे पास पहली क्वेश्चन ये है और दूसरी क्वेश्चन हमारे पास ये है, ये सिंपल फॉर्म में है। अब दोनों को कैसे हल करेंगे, भाई प्रतिस्थापन विधि से हल कर लीजिए, आपको पता है मैंने प्रतिस्थापन विधि बताई थी, इसमें से एक्स का मान निकाल करके और उसमें पुट कर देंगे, या उसमें का एक्स का मान निकाल के इसमें पुट कर देंगे तो हमारा एक्स और वाई के मान निकल जाएंगे, और एक्स वाई के मान जब निकल जाएंगे तो भिन्न क्या बन जाएगी, मान लीजिए एक्स का मान कुछ निकलता है, वाई का मान कुछ निकलता है, एक्स और वाई का मान कितना निकल रहा है, मैंने सॉल्व किया नहीं है, ठीक है, लेकिन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और एक्स और वाई का मान जब निकल आए, ठीक है, तो भिन्न में रख दीजिएगा, यहां यहां पे एक्स का मान जो भी निकलेगा और वाई का मान जो भी निकलेगा, ठीक है, इस तरह से हमारी भिन्न बन जाएगी, एक्स अपॉन वाई की फ्रैक्शन हमारा बन जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 छठा क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें देखिएगा ये अच्छा क्वेश्चन है और करने की कोशिश करिएगा। इसमें दिया गया है, हिंदी में पढ़ूं कि इंग्लिश में पढ़ता हूं, चलिए इंग्लिश में पढ़ता हूं पहले। 5 years hence the age of the Jacob and will be 3 times of his son। यहां पे दो लोगों की बात हो रही है, एक जेकब की बात हो रही है और उसके सन की बात हो रही है, तो यहां जेकब की बात करते हैं, जेकब और सन की बात करते हैं, तो ठीक है। तो जेकब की प्रेजेंट एज हम मान लेते हैं, प्रेजेंट एज कितनी है, एक्स है, और सन की जो है प्रेजेंट एज कितनी है, प्रेजेंट एज कितनी है, वाई है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, एज वाले आपसे क्वेश्चन आए, तो उनमें जो भी जितने भी लोग दिए गए हैं, 2, 4, 5, 6, 10 जितने भी लोग दिए गए हैं, 10 तो नहीं दिए जाएंगे, 2, 3 लोग दिए जाएंगे, तो जितने भी लोग दिए जा रहे हैं उनकी प्रेजेंट एज हमेशा मान लीजिए, क्या मान कर लीजिए, उनकी प्रेजेंट एज हमेशा कुछ मान लीजिए, लेट यहां लिख देता हूं, लेट 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 जैकब की प्रेजेंट एज है एक्स, लेट सन की जो प्रेजेंट एज है वाई, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है कि 5 years hence, मतलब 5 वर्ष बाद, 5 years hence, the age of the Jacob will be 3 times, 5 वर्ष बाद की बात कर रही है, किसकी बात चली, 5 year बाद की, तो 5 year बाद दोनों का ही 5 year बाद होगा, ऐसा नहीं होगा सिर्फ एक का 5 साल बाद हो, तो जब 5 साल बाद की बात हो रही है तो जेकब का भी 5 साल बाद हो गया और सन का भी 5 साल बाद की बात हो रही है, 5 साल बाद मतलब प्लस करेंगे, 5 साल बाद मतलब प्लस करेंगे, अब 5 साल पहले की बात हो रही थी वो माइनस करते हैं, तो अगर 5 साल बाद अगर जेकब जा रहा है तो 5 साल बाद इसकी भी बात होगी, समझ रहे हैं, 5 साल hence the age of the Jacob, the age of the, ये किसकी एज है, जेकब की एज है,
द एज ऑफ द जैकब विल बी थ्री टाइम्स, ये क्या है, थ्री टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, उसके बेटे से थ्री टाइम्स होगी। तो मैंने क्या बोला था कि हम लोग बराबर लगाने के लिए क्या करते हैं, यहां पे थ्री टाइम्स है तो यहां पे थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन, ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। थ्री टाइम्स ऑफ हिज सन, फाइव ईयर एगो मतलब पांच साल पहले की बात हो रहा है। तो यहां पे x माइनस फाइव की बात कर लेते हैं, y माइनस फाइव की बात कर लेते हैं। फाइव ईयर एगो द जैकब एज, ये जो जैकब है, जैकब की एज वो सेवन टाइम्स, ये कितने टाइम्स होती है, सेवन टाइम्स की बात कर रहा है। तो सेवन टाइम्स ऑफ द ऑफ ऑफ हिज सन, सेवन टाइम्स जब यहां की बात कर रहा है तो बराबर लगाने के लिए सेवन इधर कर देंगे और जो बन जाएगा, ये हमारी हो गई दूसरी इक्वेशन। ठीक है, बस इतनी सी बात थी, x और y को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। मैं सॉल्व कर दूंगा इसमें, अब हिंदी वाले बच्चे जरा ध्यान दें, लिखा हुआ पांच साल बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से तीन गुना है। अगर जब भी जैकब और उसके बेटे की बात चल रही है, मतलब यहां पे हमें दो लोग दिए गए, एक जैकब दिया गया, उसका बेटा दिया गया, तो माना जैकब की वर्तमान उम्र, माना जैकब जैकब की वर्तमान उम्र, वर्तमान उम्र, इसमें हमेशा क्या करेंगे, वर्तमान उम्र लेके चलेंगे। और माना बेटे की, किसके बेटे की, जैकब के, ठीक है, जैकब के, माना बेटे की वर्तमान उम्र, वर्तमान उम्र, बेटे की वर्तमान उम्र के नहीं है, एक्स और वाई माने। यहां हमने दो लोग दिए गए तो हम उसकी वर्तमान एज मानेंगे, वर्तमान एज ही मान के चलिएगा और कुछ मत मान के चलिएगा, वर्तमान एज हमने एक्स और वाई मान ली। क्या दे रहा है, पांच वर्ष बाद, मतलब पांच वर्ष बाद, मतलब ये दोनों में पांच वर्ष बात करेंगे बच्चे, ठीक है, इसमें भी पांच वर्ष बात करेंगे और इसमें भी पांच वर्ष बात करेंगे। पांच वर्ष बाद जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की तीन गुना हो जाएगी, मतलब ये जो है वो तीन गुना हो जाएगी, तीन गुना हो जाएगी। मैंने आपको बताया था गुना लिखा हो या इंग्लिश में टाइम्स लिखा हो, इन दोनों का क्या मतलब होता है, इन दोनों का मतलब होता है गुणा, मैथमेटिक्स की दुनिया में इसका मतलब क्या होता है, गुणा। तो यहां अगर तीन गुना दिया है तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, उल्टी साइड में तीन से गुणा कर देंगे, ठीक है, वही चीज मैंने करी है। उसी तरह दिया है पांच वर्ष पहले, मतलब x माइनस पांच कर देंगे, y माइनस पांच कर देंगे, पांच वर्ष पहले जैकब की जो आयु है वो सात गुना हो जाएगी, सात गुना थी, तो बराबर करने के लिए क्या करते थे, सात से मल्टीप्लाई कर देते थे यहां पे, ठीक है, मैंने वही चीज करी है। तो ये पहली क्वेश्चन बन गई थी और दूसरी क्वेश्चन बन गई थी, अब आप कर लीजिए इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए पहली क्वेश्चन को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं, सिंप्लीफाई करता हूं तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस फाइव बराबर थ्री वाई प्लस पंद्रह, ये x माइनस थ्री वाई हो जाएगा बराबर, 15 में से 5 चला जाएगा 10 बचेगा, ये पहली क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करके मैं यहां तक ले आया, x माइनस पाँच बराबर सेवन वाई माइनस पैंतीस, ठीक है, और x माइनस सेवन वाई बराबर माइनस पैंतीस में 5 प्लस जा जाएगा तो माइनस का 30 हो जाएगा। मैं एकदम से डायरेक्ट थोड़ा कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग ये मत सोचिएगा कि कैसे किया। फिर यहाँ पे हम x का मान बता देते हैं, x का मान कितना आया था, y का मान कितना था 10 था, ठीक है, y का मान 10 था, तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान निकाल लीजिएगा आप लोग, ठीक है, मुझे निकालना नहीं है, मन नहीं कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ से x और y का मान निकाल लीजिएगा, यहाँ पे पुट कर दीजिएगा x और y का मान, जैकब उसके बेटे की उम्र आपको पता चल जाएगी, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.2 मैंने आपको पूरी करा दी है, जैसा मैंने आपसे बोला था कि एक एक क्वेश्चन होगा तो एक एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, ठीक है। थोड़ा सा आप भी एक्सरसाइज घर में क्वेश्चन करने की कोशिश करा करिए, ठीक है, और आज के लिए बस मुझे विदा दीजिए, तब तक चलते हैं, अगले लेक्चर में मिलेंगे, टेक केयर, बाय बाय।